वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सब ने जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के जो है प्रोटोकॉल जो है उसको हमने पूरा फॉलो किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो है ना यहाँ पे गवर्नमेंट और प्रशासन इन सब ने हमारा साथ दिया है। और अच्छी बात यह है कि जो है ना हम लोगों ने सब ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है और कोविड के प्रोटोकॉल को पूरा जो उसको फॉलो किया है। हमारी टीम्स जो हैं इलाके में घूम रही हैं और अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। और ये भी देखने में आया कि यहाँ लोगों का काफ़ी कोऑपरेशन हमें मिला है। अमूमन यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है, बट काफ़ी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। इमाम साहब के द्वारा भी अनाउंसमेंट किया गया कि लोग अपने अपने घरों में रह के जो है नमाज अदा करें, तो उन सब चीज़ों का भी लोग फॉलो कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में जो हालात बने, मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो हालात थे वो क़यामत खेज मंजर था। और लाखों इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गए, यही हाल हिंदुस्तान में भी रहा। तो जो गाइडलाइंस आई थी उन गाइडलाइंस को फॉलो करना मैं समझता हूँ ज़रूरी है, हर इंसान को अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। आज चूँकि तीसरी लहर का इम्कान है, जैसे कि साइंटिस्ट डॉक्टर्स ये सब लोग बता रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है, तो थर्ड वेव आने के पेश नज़र एहतियात बहुत ज़रूरी थी। गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दी और जो हिदायत जारी की उसको मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में फॉलो किया गया। इसी तरह जामे मस्जिद जो पूरी तरह भरी रहती थी, बाहर भी हज़ारों लोग हुआ करते थे, हमने भी यही तय किया कि हमें भी इसके एहतियात रखनी है और एक मिसाल पेश करनी है और दूसरों को मैसेज भी देना है कि जामे मस्जिद को आम नमाजियों के लिए बंद रखकर सिर्फ वही लोग नमाज अदा करें जो जामे मस्जिद में रहते हैं, जामे मस्जिद कम्प्लेक्स में। तो आज भी यहाँ तकरीबन 15-20 लोगों ने ही ईदुल अज़हा की नमाज अदा की। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ये जो तीसरी लहर और थर्ड वेव का जो इम्कान है उससे मुल्क को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को और पूरी इंसानियत को महफूज रखें।